तो भाई और मेरा स्वागत है आपका हमारी नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले एक हॉरर गेम जो कि बिल्कुल भी डरावना नहीं है, यानी कि आज हम खेलने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम, जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने ट्राई किया है। तो आज हम भी खेलने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम। तो चलो फिर चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में और डाउनलोड करते हैं इस गेम को। ओए तेरे को पता है वो प्रीमियम ऐप है, वो तेरे बस की बात नहीं है। प्रीमियम ऐप है तो क्या हुआ, ज्यादा 7-8 रुपए का होगा। 7-8 रुपए, चल के देख ले खुद, देख चल प्ले स्टोर पे तू देख ले, मैं बोल रहा हूँ पहले, तेरी बस की बात नहीं है, रहने दे। अभी चुप चुप कर, मैं अभी सर्च करके दिखाता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, इतना सारा पैसा है कि पैसों में अंधा हो चुका हूँ अंबानी मेरे। अरे यार ये तो काफी ज्यादा महंगा है, तो अपने बजट के बाहर है। मैं तो पहले से ही बोल रहा था लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। अब क्या करें यार, बंद कर दे वीडियो, रहने दे बनाने के लिए। क्या करेगा वीडियो बंद करके, अरे ट्राई कर ले वही सस्ते वाले कॉपी गेम जो तेरे बस की बात है। मैं पहले से बोल रहा था लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसने बिल्कुल सही कहा, मेरे को सस्ते वर्जन कॉपीड गेम ट्राई करने चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं गेम्स लाइक पॉपी प्ले टाइम। तो यहाँ पर कई सारे गेम वही पहले वाले हैं और ये मिल गया हमें पहला गेम, स्केरी टॉय फैक्ट्री पजल गेम। और इसके ग्राफिक वगैरह देखो भाई एकदम उसी टाइप, पर इसमें जोकर है। तो कोई नहीं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसा गेम होता है। तो हमारा गेम हो चुका है इंस्टॉल और इसको करते हैं प्ले और इसके अंदर देखते हैं क्या होने वाला है। नहीं भाई जोकर है कैटनैप की जगह, क्या करें भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्री गेम है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसको करते हैं प्ले और यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस मोड एनी मोड खेलेंगे भाई हम, प्रैक्टिस थोड़ी नहीं कर। एड दिखा लो भाई, ये नहीं दिखाओगे तो कहाँ से पता चलेगा कि फ्री वाला भाई। अबे यार तो चलो उसको हटाते हैं एड। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए की, हमें यहाँ पर एक फाइंड ए की मतलब यहाँ पर हमें एक चाबी ढूंढनी है। तो चाबी कहाँ पर हो सकती है, इस अलमारी पर हो सकती है, पर यहाँ पर तो किताब के नीचे। अरे हाँ भाई लिखा रहा है साफ साफ की के बिना ये चाबी से नहीं खुलने वाली। और यहाँ पर क्या, यह अलमारी रही इसके, ये हुई ना बात, इधर पे है चाबी। तो इसको यहाँ से हम करते हैं कलेक्ट, यानी कि उठाते हैं और डोर को करते हैं ओपन। चल भाई हो जा ओपन। और फिर से ऐड भाई, कितना ऐड, मतलब हर घड़ी हर पल ऐड ऐड। फाइंड लेफ्ट हैंड, तो हमें लेफ्ट हैंड को यहाँ से फाइंड न। अबे ये साला जोकर, अरे भाई ऐड दिखा लो, ऐड दिखा लो, ऐड तो देखने आया हूँ मैं। तो मेरे को लेफ्ट हैंड फाइंड करना था और मैंने यहाँ पर बहुत फिर से, ये साला मेरे पीछे ही पड़ा था तो मैंने फिर से यहाँ तक आकर फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड। और अब क्या बता रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है अनलॉक गोल्डन डोर, यानी कि हमें एक सुनहरा दरवाजा खोलना है। पर यहाँ पर कहाँ सुनहरा दरवाजा मिलेगा भाई, ये तो है एक वो अलमारी फालतू की और ये है बेड। और मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से और वो देखो खड़ा हुआ है उधर पे जाके, मेरे को देख नहीं पाएगा, यानी कि ग्रेनी जैसा है पर लेकिन ग्रेनी जितना चालाक नहीं है। और हमने गोल्डन डोर के पास में आ चुके हैं और यहाँ पर अपना हाथ कर दें स्कैन और खुल गया अपना दरवाज़ा। और यहाँ पर लिखा है कलेक्ट ऑल लेटर्स, यानी कि हमें यहाँ पर लेटर्स को फाइंड करने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर लेटर्स पड़े मिलेंगे तो उन्हें फाइंड करने हैं। और इस अलमारी में क्या चाहिए, देयर इज ए बुक मिसिंग, हमें यहाँ पर बुक ला कर रखनी है और हमें लेटर भी कलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पर हमें पीछे में कुछ दिखाई दे रहा है और ये मिल गया लेटर, एस मिला है हमें, मतलब कि हमें करना क्या है सिंपली समझो, पहले हमें इस गेम में कलेक्ट करना है लेटर्स मिशन पूरे करने जो जो बोले। और ये देखो इसे तो ये अलग ही नशे में, गांजे के नशे में, तो आएगा नहीं आएगा घर पे। और हमें बुक भी मिल गई है, तो जो हमारी मतलब बुक मिसिंग थी अलमारी में से तो वो बुक हमें मिल गई है। तो ले चलते हैं सीधा और उसके पास में रखते हैं अलमारी पे, तो देखते हैं अलमारी हमें क्या देगी। हो जा भाई, और इसके पीछे दरवाज़ा था, दरवाजे को करते हैं ओपन और इसके अंदर में एक लेटर पड़ा, चलना अंदर यार गधे। तो यहाँ से एक हमें लेटर मिल गया है, तो फिर से देखो मेरे को लेटर मिल गया, तो ये इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा है। तो मैं बता दूँ सिंपली तुम्हें इस गेम में करना क्या है, मिशन देखें ये यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया कि लेटर्स को कलेक्ट करना है, और लेटर्स को कलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है, मतलब लेटर्स मिलने ही नहीं आते, पूरा घर तो एक जैसा है, पूरा घर मतलब उसी गली से जाओगे दोबारा फिर वापस आओगे। तो इस गेम में यही करना है कि लेटर्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद में हमें अपना राइट हैंड फाइंड करना है। राइट हैंड फाइंड करने के बाद में एक गेट मिलेगा, वहाँ पर हमें अपने दोनों हैंड को स्कैन कराना है। और हमें राइट हैंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सभी के सभी लेटर्स को कलेक्ट नहीं कर लेते। कलेक्ट करने के साथ में हमें एक क्रेट मिलेगा जहाँ पर हम लोग को लिखा था कि फाइंड आर लेटर, वहीं पर क्रेट मिलेगा और उसके अंदर में हमें अपना हैंड मिलेगा। तो हैंड लेने के बाद में हमें स्कैन कराना होगा मेन गेट पर, मेन गेट पर स्कैन कराने के बाद में गेट ओपन हो जाएगा और हम इस घर से एस्केप हो जाएंगे। लेकिन जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, तो मैंने इसमें पूरा वीडियो में नहीं दिखाया है। तो
कभी फिर से दिखाएंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है।